नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ निया शर्मा और रवि दुबे की फिर एक बार जोड़ी बनने के लिए तैयार हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि रवि दुबे और निया शर्मा पिछले काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं और उनकी काम की बात की जाए तो पिछले काफ़ी टाइम से एक दूसरे को काफ़ी जानते पहचानते भी हैं। और जहाँ तक उनके काम की बात की जाए तो उन्होंने जमाई राजा सीजन 1 में भी काम किया था और उन्होंने जमाई राजा सीजन 2 वेब सीरीज में भी काम किया था, जो कि वेब सीरीज एक सुपरहिट सीरीज साबित हुई थी और वो सीरीज सबसे अच्छी लगी थी, जो कि लोगों ने काफ़ी उसको प्यार भी दिया था। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि सीजन 1 में आपने इस सीरीज को जी टीवी पर देखा था। जी टीवी पर एक सिद्धार्थ खुराना की भूमिका निभा रहे थे रवि दुबे, वहीं निया शर्मा एक भूमिका निभा रही थी रोशनी पटेल की। रोशनी पटेल की भूमिका में उन्होंने काफ़ी अच्छा कहर मचाया था और कहीं ना कहीं लोगों ने उस चीज़ को काफ़ी प्यार भी दिया। आपको बता देना चाहता हूँ कि प्यार के मामले में भी रवि दुबे और निया शर्मा एक दूसरे की काफ़ी फिक्र करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की काफ़ी केयर करते हैं। आने वाले टाइम में इन दोनों की जोड़ी बनेगी ये तो कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि इनकी हमेशा से ही एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छी जोड़ी बनी है। कहीं ना कहीं इस जोड़ी को पर्दे पर देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पर्दे पर लोगों ने इनका काफ़ी प्यार देखा था और कहीं ना कहीं फिर एक दोबारा एक दूसरे के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बता देता हूँ कि किस तरीका से ये फिर से एक जोड़ी बनने वाली है, क्योंकि 2020 में इनसे यही काफ़ी उम्मीद लगाई थी दर्शकों ने कि इनकी जोड़ी बहुत जल्दी पर्दे पर दिखाई देने वाली है। अब वो कैसे दिखाई देगी इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि निया शर्मा और रवि दुबे, क्योंकि निया शर्मा अभी नागिन 4 में काम कर रही हैं। नागिन 4 उनकी सबसे बेस्ट सीरीज में से गिनी जाती है, क्योंकि वो कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रही है, जिसमें निया शर्मा एक नागिन का किरदार निभा रही हैं। वहीं रवि दुबे की बात करते हैं तो रवि दुबे बहुत ही जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा कर देंगे, क्योंकि 2020 में इनकी जोड़ी बनने के लिए तैयार हो चुकी है और मेकर्स भी ये डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनका आने वाला शो जो रहेगा वो जी टी वी पर प्रसारित होगा। जी टी वी पर, क्योंकि जितने भी अभी तक इनकी सीरीज रवि दुबे की ज़्यादातर उन्होंने अगर शो किए हैं निया शर्मा के साथ में तो जी टी वी पर प्रसारित हुए हैं। वहीं बात करते हैं निया शर्मा की, तो निया शर्मा कुछ टाइम निकाल के, क्योंकि अब दो दो शो में हिस्सा लेंगे, पहला तो नागिन 4 के लिए काम कर रही हैं, दूसरा अब वो जी टी वी के लिए भी काम करेंगी, क्योंकि ये जो सीरीज प्रसारित होने वाली है, ये जो अब सीरियल आने वाला है वो जी टी वी पर प्रसारित होगा। निया शर्मा की बात करें और रवि दुबे की, तो रवि दुबे ने काफ़ी रियलिटी शोज भी किए हैं, वहीं उन्होंने उनकी अलग अलग खुद की एक अलग पहचान भी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, कहीं ना कहीं लोग उनके काम के उसमें भी उनको काफ़ी जानते हैं। रवि दुबे की बात करें तो रवि दुबे का एक टीवी इंडस्ट्री में अच्छा सिक्का चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जान पहचान भी अच्छे अच्छे क्षेत्रों में ठीक ठाक है। वहीं बात करते हैं निया शर्मा और अचिंत कौर जो कि डीडी पटेल का किरदार निभा रही हैं। डीडी पटेल का किरदार काफ़ी अच्छा जम रहा है उन पर और कहीं ना कहीं उनकी एक सिमिलरिटी देखी गई है कि वो रवि दुबे और निया शर्मा के साथ में वो एक अपने बच्चे की तरह बिहेवियर करती हैं, कहीं ना कहीं वो उनके एक खास और प्लस पॉइंट रहा है हमेशा से, और हर किसी के साथ में उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं लोग उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो अब उन्हें जी टी वी पर फिर से आने का मौका मिल रहा है और आप लोग फिर से इन दोनों तीनों कलाकारों को आपस में देख पाएंगे, क्योंकि पूरी ही टीम दोबारा से काम करेगी तो काफ़ी एक पिछले मोमेंट्स भी याद आएंगे। और आपको बता देता हूँ मैं कि जी टी वी का आने वाले शो में से गिने जा रहा है ये शो। थैंक यू सो मच दोस्तों।